कहीं मेंढक मेंढकी की शादी कराई जा रही तो कोई कीचड़ से नहा रहा है, कहीं तो अनमैरिड नेकेड गर्ल से खेत की जुताई कराई जा रही है, कहीं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा तो कोई रात भर डांस कर रहा है। ये सब सुनकर हैरान मत होइए, ये सभी भारत की पुरानी प्रथाएं हैं। अलग अलग राज्यों में ये आज भी हो रहे हैं, लेकिन क्यों? ताकि बारिश के देवता खुश हो सके और अच्छी बारिश दें। मैं आज आपको इन्हीं हैरान कर देने वाले पुराने रिचुअल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे 1876 तक लिए चलता हूँ। उस वक्त भारत में भीषण अकाल पड़ा था, भुखमरी ऐसी कि 2 साल में 50 लाख लोगों की मौत हो गई। सिलसिला यही नहीं रुका, 2 दशक बाद सूखा पड़ा। बुंदेलखंड से शुरू हुआ ये सूखा पूर्व में यूपी बिहार तक, दक्षिण में मद्रास तक और पश्चिम में बॉम्बे तक पहुँच गया। 19वीं सदी की शुरुआत में किसानों को लगने लगा कि देवता नाराज हैं। अलग अलग हिस्सों में किसान अलग अलग तरह की मन्नतें करने लगे, जो आज धीरे धीरे प्रथाओं में तब्दील हो गई, जैसे मेंढक मेंढकी की शादी। 2019 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई थी, जब अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करा दी गई, और जब ज्यादा बारिश होने लगी तो दोनों का तलाक भी करा दिया गया। वैसे तो यह बारिश के लिए मेंढक मेंढकी की शादी पारंपरिक रूप से असम में होती है, लेकिन अब यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से में होने लगी है। कीचड़ से नहाने की प्रथा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नारायणपुर इलाके में मुड़िया जनजाति के लोग किसी को भीमदेव का प्रतिनिधि बनाते हैं और उसे गाय के गोबर और कीचड़ से ढक देते हैं। मान्यता है कि इससे देवता को सांस लेने में तकलीफ होगी और फिर इससे राहत के लिए वो बारिश करवाएंगे। अविवाहित स्त्री को नग्न कर खेत की जुताई करवाना। ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट विलियम क्रूक के मुताबिक साल 1873 में गोरखपुर में अकाल पड़ा। तब ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां रात में अविवाहित महिलाएं बिना कपड़े पहने खेत जोतती थी। उनकी किताब पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भी इसका जिक्र है। इस पूरी प्रक्रिया में पुरुषों को दूर रखा जाता था। बिहार, यूपी और तमिलनाडु के कुछ ग्रामीण इलाकों में ये प्रथा आज भी चली आ रही है। लोगों की मान्यता है कि इससे बारिश के देवता को शर्म आ जाती है और वह बारिश भेज देते हैं। इसके अलावा अच्छी बारिश के लिए मदुरै में लोग किसी लड़के को हवा में लटका देते हैं। तेलंगाना में घर छोड़कर जंगल में वनवास करने लगते हैं। झारखंड में ओराव समुदाय के लोग मठ फेस्टिवल मनाते हैं। कर्नाटक और गुजरात में मंदिरों में पानी से भरे बर्तन गाड़ देते हैं, तो कहीं इन बर्तनों में बैठकर मंत्रोच्चार किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं, मकसद सिर्फ एक है, बारिश कराना। लेकिन असल काम कोई नहीं कर रहा जिससे बारिश होगी, पेड़ लगाने का। ये सब टोटके छोड़िए और पेड़ लगाइए, अच्छी बारिश खुद ब खुद होने लगेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।